नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। 8 मार्च से चलेंगी 13 जोड़ी पैसेंजर ट्रेनें। पूर्व मध्य रेल द्वारा विभिन्न रेलखंडों पर 13 जोड़ी मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन का परिचालन जल्द ही शुरू होने वाला है। पूर्व मध्य रेल के CPRO राजेश कुमार ने इस बात की जानकारी दी और बताया है कि यात्रियों की सुविधाओं के लिए 8 मार्च से अगली सूचना तक 13 जोड़ी मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन का परिचालन करवाया जाएगा। इसमें रोजाना पटना जंक्शन से गया के लिए 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेन का परिचालन होगा। पटना जंक्शन के जसीडीह, बरौनी और इस्लामपुर के बीच एक एक जोड़ी ट्रेन चलाई जाएगी। इसके साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से बक्सर और पटना के लिए भी एक एक जोड़ी ट्रेन के अलावा राजगीर से फतुहा और दानापुर के लिए भी एक एक जोड़ी ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSSB ने निकाली रखतियां। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने हाल ही में टेक्निकल असिस्टेंट प्रिंटिंग, टेक्निकल असिस्टेंट सिविल, टेक्निकल असिस्टेंट केमिकल समेत अन्य पदों पर कुल मिलाकर 1809 पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों का 10वीं पास होना, डिप्लोमा डिग्री या 12वीं पास होना, इसके साथ ही डिग्री या PG केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या डिप्लोमा ड्राफ्टमैन में, यूनानी फार्मेसी में या फिर होम्योपैथी फार्मेसी में या MBA या ITI या BEd या CTET पास होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 14 अप्रैल 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट dssb.delhi.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर भी सारी जानकारी ले सकते हैं। पंचायत चुनाव पर एक बार फिर बढ़ा संकट। बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए वोटर लिस्ट बनाने को से लेकर 10 चरणों में चुनाव की पूरी प्लानिंग की जा चुकी है। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग के बीच मामला ईवीएम की खरीद को लेकर अभी भी फंसा हुआ है। इसके कारण ही पंचायत चुनाव के आयोजन को लेकर संकट की स्थिति एक बार फिर उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग ने एक बार फिर से ईवीएम की खरीद के लिए NOC की मांग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग को पत्र जारी कर दिया है। ईवीएम की अनुपलब्धता के कारण ही आयोग बिहार में पंचायत चुनाव की घोषणा नहीं कर पा रहे हैं और यह मामला कोर्ट तक जा पहुंचा है। इतना ही नहीं, इस बाबत राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने कहा है कि NOC के बिना बिहार में चुनाव की घोषणा करने में कठिनाई होगी। राज्य में अब अवैध रूप से संचालित ईंट भट्टे और आरा मशीनों को किया जाएगा बंद। राज्य सरकार ने प्रदूषण मानकों के विपरीत प्रदेश भर में चलाए जा रहे अवैध ईंट भट्टों और आरा मशीनों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्देश जारी कर दिया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने इस बात को लेकर बताया है कि राज्य के अलग अलग हिस्सों में प्रदूषण मानकों का उल्लंघन कर चलाए जा रहे अवैध ईंट भट्टों को तत्काल प्रभाव से बंद कराने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया है और इसके लिए छापेमारी अभियान भी चलाया जा रहा है। सभी औद्योगिक इकाइयों को हर हाल में प्रदूषण नियमों का पालन करना होगा और उन्हें अपनी फैक्ट्री में प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले उपकरण स्थापित करने होंगे। बिहार में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में भी लगाया जाएगा कोरोना टीका। बिहार में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में भी अब COVID-19 का वैक्सीनेशन दिया जाएगा। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्वास्थ्य उपकेंद्र के रूप में संचालित किए जाएंगे जिसमें टीकाकरण की सुविधा होने से ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था के सबसे निचली इकाई तक टीकाकरण अभियान से अस्पताल को भी जोड़ा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने इस बात की जानकारी दी और बताया है कि राज्य के सभी जिलों के सिविल सर्जनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में टीकाकरण के लिए आधारभूत संरचना के विकास के निर्देश दे दिए हैं। जिनमें 3 कमरे हैं उन्हें चिन्हित किया जाएगा जिसके बाद ऐसे ही सेंटरों पर टीकाकरण होगा। दरभंगा से कोलकाता और पुणे सहित अब 8 रूटों पर उड़ेंगे विमान। दरभंगा एयरपोर्ट से स्पाइस जेट 28 मार्च से हवाई रूट का विस्तार होने वाला है। कोलकाता और पुणे के लिए यहां से सीधी विमान सेवा की शुरुआत होने जा रही है। दोनों जगह के लिए कंपनी ने बुकिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि एयरपोर्ट अथॉरिटी इस तरह की किसी जानकारी से फिलहाल इनकार कर रहा है। वहीं इसी महीने की 10 तारीख के स्पाइस जेट अहमदाबाद और मुंबई के लिए भी विमान सेवा की शुरुआत होने वाली है। इस तरह स्पाइस जेट महीने के अंत तक कुल 8 रूटों पर उड़ान सेवा को शुरू करेगा। इसके साथ ही इंडिगो एयरलाइंस भी जल्द से जल्द 2 रूट पर हवाई सेवा शुरू करने की तैयारी कर रहा है। जमीन के मामलों को ऑनलाइन करके बिहार ने पेश किया प्रमाण। बिहार में भूमि संबंधी रिकॉर्ड और नागरिक केंद्रित सेवाओं के डिजिटलीकरण में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल बिहार ने कर लिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने खाद्यान्न जमाबंदी, नक्शा, डेटा एंट्री, सर्कल रेट रजिस्ट्री से संबंधित दस्तावेजों की आपूर्ति मूल्यांकन में मानक स्थापित कर दिया है। राज्य को राष्ट्रीय सूची में 23वें स्थान से 8वें स्थान पर जगह मिल गई है। भूमि संबंधी रिकॉर्ड और नागरिक केंद्रित सेवाओं के डिजिटलीकरण का मूल्यांकन करने वाले संस्थान नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की सूची में बिहार को कुल मिलाकर 64.8% अंक मिले हैं। यह उपलब्धि इसलिए भी बड़ी है क्योंकि दूसरे नंबर पर केरल 99.9 और तीसरे नंबर पर त्रिपुरा की प्रगति 69.9% ही रही है। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की सूची में बिहार को अच्छा खासा अंक मिला है जिसके बाद बिहार जो है टॉप पर देखने को मिल रहा है। मुखिया समेत सभी पद धारक 31 मार्च तक देंगे अपना संपत्ति ब्यौरा। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है जिसके बाद अब नया दिशा निर्देश भी जारी हुआ है।
बिहार में मुखिया समेत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के सभी पद धारक 31 मार्च तक संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने वाले हैं। इसको लेकर पंचायती राज विभाग ने सभी जिलों को रिमाइंडर भी भेज दिया है। इन पद धारकों में से मुख्य, उप मुखिया, प्रखंड प्रमुख, उप प्रमुख और जिला परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष आते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि पूर्व में भी इस तरह के आदेश जिलाधिकारियों को जारी कर दिए गए थे, जिसमें पंचायत के पदधारक से संपत्ति का ब्यौरा लेकर वेबसाइट पर अपलोड करने की बात कही गई थी। इसके साथ ही पंचायत चुनाव से ठीक पहले जिलों को भेजे गए रिमाइंडर को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसको लेकर आवश्यक कार्रवाई करने का भी निर्देश सभी जिलों के पंचायती राज पदाधिकारी को दे दिया गया है। पटना पुलिस पर रूपेश के परिवार को कोई भरोसा नहीं। पटना एयरपोर्ट पर तैनात इंडिगो एयरलाइंस के अधिकारी रुपेश कुमार सिंह के मामले में परिवार वालों ने पुलिस वालों पर भरोसा नहीं होने की बात कही है। इसको लेकर ही रुपेश की पत्नी नीतू सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र जारी किया है और सीबीआई जांच की मांग को दोहराया है। हालांकि सीबीआई जांच की मांग पहले भी परिवार की तरफ से देखने को मिल रही थी। इतना ही नहीं, कई बार परिवार वालों ने व्यक्तिगत तरीके से भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। वहीं अब एक और पत्र जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मेरे पति की जान 12 जनवरी को ले ली गई थी, लेकिन अभी तक अपराधियों को नहीं पकड़ा गया है। इसीलिए मेरी आपसे अनुरोध है कि इस मामले में सीबीआई को जांच का आदेश जारी करे। बिहार के स्कूल से गायब हुए 30% छात्र। बिहार के स्कूल से और खासकर की प्राइवेट स्कूल से लगभग 30% छात्रों के गायब होने की खबर सामने आ रही है, जिसके तहत मिली जानकारी के अनुसार कोरोना के माहौल के बाद स्कूल तो खुल गया है, लेकिन ये 30% छात्र अभी भी स्कूल नहीं आ रहे। हालांकि इन छात्रों को स्कूल बुलाने के लिए स्कूल प्रबंधन भी लगातार फोन कर रहे हैं, लेकिन इन छात्रों की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है, जिसके बाद यह उम्मीद जताई जा रही है कि शायद अब यह छात्र स्कूल छोड़ चुके हैं। वहीं अब दूसरी तरफ अधिकांश स्कूल में वार्षिक परीक्षाएं भी शुरू होने वाली है। जानकारों की माने तो सभी स्कूल में औसतन 1000 बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन इनमें से लगभग 30% छात्र अभी भी स्कूल में नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि ऐसे छात्र हैं जिन्होंने अब तक अपना फीस जमा नहीं किया है। हालांकि कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जिन्होंने छात्रों को फीस में थोड़ी छूट देनी शुरू कर दी है। खादी मॉल के बाद पटना में बन रहा है हैंडलूम हाट। पटना में खादी मॉल के बाद उद्योग विभाग अब हैंडलूम हाट का निर्माण करने की सोच रहा है। राजधानी के फेजर रोड स्टेट बिहार राज्य वित्त निगम भवन के द्वितीय तल तक हैंडलूम घाट का निर्माण करवाया जाएगा। इसके बाद कुल 26,000 वर्ग फीट हिस्से में हाट का निर्माण करवाया जाएगा। आपको बता दें, मधुबनी का सूती वस्त्र और भागलपुर का सिल्क अपनी विशेषताओं के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। अभी तक पटना में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां लोग हैंडलूम उत्पादों को खरीद सके। सूबे के बुनकरों की आर्थिक स्थिति इस तरह की नहीं है कि वो पटना में किराए पर दुकान लेकर अपने उत्पादों की बिक्री कर सके। इस वजह से ही बुनकरों द्वारा काफी समय से पटना में हैंडलूम हाट के निर्माण की मांग भी की जा रही थी। बिहार का एक्सप्रेसवे होगा ग्रीनफील्ड। बिहार में पहले एक्सप्रेसवे के निर्माण की केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है, जिसके बाद उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला पहला एक्सप्रेसवे आज दरभंगा एक्सप्रेसवे को केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे D-119 के नाम से नोटिफाई किया है और इसकी अधिसूचना केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्रालय ने जारी कर दी है। 189 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे 2024 तक शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। एक्सप्रेसवे के लिए 1363 एकड़ जमीन की जरूरत भी बताई गई है और इससे बिहार सरकार 180 दिनों में अधिग्रहण करने का लक्ष्य रख रही है। आपको बता दें कि बिहार में अभी तक भी एक भी ऐसा एक्सप्रेसवे नहीं है। आज दरभंगा एक्सप्रेसवे की चर्चा पिछले कुछ सालों से हो रही है, लेकिन अब इसके निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। मंत्री संजय झा ने बाढ़ से बचाव के लिए ठोस उपाय तलाशने की कही बात। जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने हाल ही में बाढ़ से बचाव के लिए ठोस उपाय तलाशने की बात कही है। इस बाबत उन्होंने कहा है कि जब तक नेपाल में हाई डैम नहीं बन जाता है, नेपाल से बिहार में आने वाली नदियों के बाढ़ से बचाव के लिए ठोस और वैकल्पिक उपाय तलाशते रहना होगा। इसके लिए रिसर्च पर भी ध्यान देने की जरूरत है। रिसर्च के लिए अगर इंजीनियर की अलग टीम भी बनाई जाएगी तो वो भी बेहतर विकल्प होगा। विभाग की तरफ से विभागीय अधिकारियों एवं अभियंताओं के लिए आयोजित विशेष कार्यशाला को संबोधित करने के दौरान मंत्री ने उक्त बातें कही हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए विभाग के अधिकारी और अभियंता ने तरीकों और अत्याधुनिक तकनीकों का आधिकारिक उपयोग की संभावना तलाशे, साथ ही साथ बाढ़ से जुड़े रिसर्च पर भी ध्यान दे। क्रिकेट के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने गो प्लान में किया। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का क्रिकेट में कोई मुकाबला नहीं है। वहीं अब उन्होंने अपने नाम एक और कीर्तिमान रच लिया है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को पशुपालन के क्षेत्र में बेहतर कार्य एवं योगदान पर उत्कृष्ट पशुपालन का सम्मान दिया गया है। महेंद्र सिंह धोनी को यह सम्मान बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में चल रहे एग्रोटेक किसान मेला के दूसरे दिन आयोजित कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने प्रदान किया। हालांकि धोनी की अनुपस्थिति में यह सम्मान उनके प्रतिनिधि कुणाल गौरव को दिया गया। धोनी इस वक्त आईपीएल
की तैयारी में व्यस्त है। वो अपनी टीम चेन्नई सुपर किंग्स के साथ प्रैक्टिस में व्यस्त दिखाई दे रहे हैं, इसी कारण उनकी जगह पर किसी और ने इस सम्मान को ग्रहण किया। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सलमान समेत 8 फिल्मी हस्तियों के वकीलों ने पेश किया अपना पक्ष। सुशांत सिंह राजपूत मामले में दर्ज की गई रिविजन के बाद से बीते दिन एडीजी प्रथम राकेश मालवीय के कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान मामले में नामजद सलमान खान समेत 8 फिल्मी हस्तियों के अधिवक्ताओं ने बहस किया। अधिवक्ताओं ने बहस में रिविजन वाद को खारिज करने की मांग पर बहस की और समाप्त होने के बाद कोर्ट में नए शिकायतकर्ता अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा को अपना पक्ष रखने का आदेश दे दिया है, जिसके बाद अब 10 मार्च को सुधीर कुमार ओझा अपना पक्ष रखने वाले हैं। फिल्मी हस्तियों की तरफ से कई नामचीन अधिवक्ताओं ने इस दौरान बहस की। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने बीते 17 जून को सीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर किया था। इसमें अभिनेता सलमान खान, निर्देशक करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, साजिद नाडियावाल, संजय लीला भंसाली, भूषण कुमार, एकता कपूर और दिनेश विजयन को आरोपी बनाया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार सरकार बिहार को बाढ़ से बचाने में सफल साबित हो पाएगी या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दोबारा ना भूलें। धन्यवाद।